क्या होगा, शरीर को स्वस्थ रखते हो, तीन दफा खाना खिलाते हो, आत्मा को एक दफा सुनाया, याद भी नहीं। स्वस्थ शरीर में कमजोर आत्मा है, तो क्या करना चाहिए, आत्मा को भी शक्तिशाली बनाओ, तो उसको भी तीन दफा खाना खिलाओ, और शक्तिशाली बनाना है तो चार पांच दफा खिलाओ, वो आपके ऊपर है, कम से कम तीन दफा खिलाओ। अगर आप कहेंगे भाई जी आज कोई मिला ही नहीं, किसको सुनाओ, हाँ उसका किसी में किसी को फोन आता है, बात करो, बात करने के बाद उसको बोला अगर बाबा का बच्चा, भाई जी ठहरना एक मिनट, निकाल के पढ़ के आज शिव बाबा ने बहुत अच्छी बात सुनाई, पढ़ के बताओ, ठीक है। हाँ अगर कोई बाबा का बच्चा नहीं, अज्ञानी है, उनको भी सुना सकते हो, उनको बाबा नहीं कहना, मुरली नहीं कहना, आज मैंने किताब पढ़ा था, बहुत अच्छी बात की, बताओ। गुस्सा करने से क्या होता है, झूठ बोलने से क्या होता है, किसी को दुख देने से क्या होता है, बाबा का ज्ञान ही है, बाबा नहीं बोलना, मुरली नहीं बोलना, मैंने किताब पढ़ा था, माना आपके मुख से अच्छे शब्द निकलना चाहिए, शुभ समाचार निकलना चाहिए। हम गलत समाचार देते हैं, शुभ समाचार देते नहीं है, है ना। और वो रोज आपको बाबा देता है, दो जो है ना याद नहीं रहती है, उसका साधन बताया, दान करने का साधन बताया। अगर आपने किसी को 1,00,000 रुपया दिया, अगले जन्म में देगा, खाया पिया खत्म, लेकिन एक मुरली के पॉइंट किसी को सुनाया, बाबा के एक जन्म के लिए आप धनवान बनेंगे। ज्ञान धन दान करो, क्यों, ये ज्ञान किसका है, आपका नहीं, कोई शास्त्रों का नहीं है, गीता का महाभारत का नहीं, अविनाशी। अब जो शिव बाबा अविनाशी है वो उसका ज्ञान है, और किसको सुनाते हो आप, अविनाशी आत्मा को, विनाशी शरीर को नहीं देते, आत्मा को देते ज्ञान। तो अविनाशी बाप का ज्ञान अविनाशी आत्मा को देते हो, उसका फल भी अविनाशी है। तो एक का पदम गुना, एक जन्म के लिए धनवान बन सकते हो, कितने